बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दी गई है। अब स्टूडेंट्स 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 सितंबर निर्धारित की गई थी। वहीं फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू की गई थी, लेकिन अब तारीख बढ़ जाने की वजह से स्टूडेंट्स अपने स्कूल और कॉलेज जाकर ऑनलाइन फॉर्म 8 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने उन स्टूडेंट्स को भी 8 अक्टूबर तक शुल्क जमा करने को कहा है जो रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पाए थे। बता दें कि उन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा नहीं किया होगा। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित नाम, अभिभावक का नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि में किसी प्रकार की भी त्रुटि रह गई हो तो वे 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड फिर से इन गलतियों को बाद में सुधारने का मौका नहीं देगा। बता दें कि इस वर्ष से परीक्षार्थियों के लिए एक यूनिक आईडी का प्रावधान किया जाएगा। यह यूनिक आईडी 13 अंकों की होगी। यह यूनिक आईडी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए नव पंजीकृत परीक्षार्थी के मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित होगी। बोर्ड ने यह साफ निर्देश दिया है कि बीएसईबी यूनिक आईडी को परीक्षा आवेदन फॉर्म पर छात्रों के द्वारा भरा जाना जरूरी है। साथ ही इस फॉर्म के कॉलम 12 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। वहीं अगर कॉलम 12 में अभ्यर्थी का आधार नंबर नहीं है तो इसकी घोषणा कॉलम 13 में अनिवार्य रूप से करनी होगी। बताते चले कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 से नई विषय योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत नियमित व स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स इंटर वार्षिक परीक्षा सत्र 2021 से 23 के लिए नामांकित फॉर्म भर सकते हैं। वहीं वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में सफल हो गए हैं परंतु फिर भी वे अपने किसी एक अथवा सभी विषयों में प्राप्त अंकों और बेहतर करना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ पूर्ववर्ती कोटि के रूप में आवेदन करना होगा। इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के स्टूडेंट्स 2021 में असफल व कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।